पीलीभीत में जहां एक ओर पूरा भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को साकार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीलीभीत की भयावह तस्वीरें इस बात की गवाही देती दिख रही है कि पीलीभीत नगर स्वच्छ नगर को नगर पालिका के सफाई कर्मियों समेत आला अधिकारी भी आंख मूंदने का काम करते दिख रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत की मेन सड़कों पर आमादा गंदगी इस सच्चाई का प्ररूप है कि एक तरफ सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं पीलीभीत की तस्वीरों में पालिका कर्मचारी की मक्कारी सामने आई है, जो मेन बाजार से लेकर शहर के कई ट्रैफिक वाले इलाके में गंदगी का अंबार महीनों लगा सड़ा रहता है, जिससे राहगीरों व स्थित निवासियों संक्रामक रोगों सहित दुर्गंध का खासा सामना करना पड़ता है। इससे बहुत ही मोहल्ले के अंदर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मच्छर, तरह तरह के मच्छर, जो कूड़ा के अंदर अवस्थी के बीच, इसको लेकर के आपने किसी अधिकारी को नगर पालिका को लेकर संज्ञान में दिया? हाँ, नगर पालिका भी देख के आई, इसमें जो चेयरमैन भी देख गए हैं इन पर, और जो मेंबर भी देख जा चुके। सब लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि यहाँ 2-3 साल से जो पड़ रहा है, बहुत गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे बीमार हुए हैं। जो पैसे कमा के लाते हैं सब इलाज में घुस जाते हैं, और कई बार मेंबर से कहा, सभी लोग आए देखने में, उस पर कोई आदेशन। पीलीभीत की सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग के पास कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है ऐसी कि जिससे शहर का सारा कचरा निकल के एक जगह एकत्रित कर दे। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि उसका DPR बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पास पहुंच गया है, और हम लोग उसकी जगह ढूंढ रहे हैं। ऊपर से हमारे पास लेटर भी आ गया है जगह ढूंढने के लिए, तो हम लोग उसकी जगह ढूंढ रहे हैं। जैसी जगह मिल जाएगी, बहुत जल्दी यहाँ कूड़े से खाद बनाने का प्लांट लगेगा और फिर शहर एकदम साफ दिखाई देगा। कब तक हो जाएगा? मैं समझता हूँ 1.5 महीने में जगह मिल जाएगी, हम लोग कर देंगे सब। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें सरकारी मशीनरी ठीक नहीं कर सकती। हम लोग की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है साफ सफाई की, इनकी भी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, हम कूड़ा फेंके तो फेंके कहाँ, तो वो कूड़ा इधर उधर ढेर लगा के पड़ा रहता है। पड़ोस में हमारे देव आहुति गंगा है, हम उसमें कूड़ा फेंक नहीं सकते। कोई और ऐसी जगह, आज तक इससे पूर्व में जो विधायक रहे, उन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कोई कूड़ा फेंक, कहीं शहर का कचरा निकाल के फेंका जाए, कहीं कोई ऐसा स्थान हो। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।